स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्णा धनीराम शांडिल ने बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक चिकित्सा खंड में अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी विभागों में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी। प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ धर्मशाला, किन्नौर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, मनाली, मंडी और कुल्लू स्थित अस्पतालों में 15 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतरीन आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टर कर्णा धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य में लोगों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच तथा उपचार शामिल है। इसके दृष्टिगत हमीरपुर, टांडा, शिमला स्थित चिकित्सा महाविद्यालय और अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थान चमियाना में विशेषज्ञ रोबोटिक शल्य चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत पहले चरण में चंबा, नाहन और नैरचौक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रत्येक में एक रोबोटिक शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5G तकनीक का उपयोग किया जाएगा। नीति बनानी जरूरी है, क्योंकि आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट वो एक प्रकार से उनको कुछ भी पता नहीं कितने साल बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, कितने साल बाद उनको कैसे कर पाएंगे वो अपना जीवन यापन, ये एक प्रश्न रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी भी नीति बने। वो भी बात आज हमारे सर का बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था, और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में का कुछ टेक्निकल हैसल हुई है उसको ठीक है। हॉस्पिटल सब कहाँ जाती है? नहीं, प्रोक्योरमेंट की ड्रिल में थोड़ा फॉल्ट रहा है, और प्रोक्योरमेंट के इसीलिए तो ये मैं जो गायब गायब लेता रहता हूँ। इसका मतलब ये सर ये है कि हम जो भी इसी दिक्कतें हैं उनको दूर करें। सर हॉस्पिटल्स स्टाफ की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है, और हम वो जितने भी पद हमारे भरे नहीं हैं कम से कम 80% पद तो वर्केबल बनाने के लिए करने हैं। वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण आजकल का जो हमारे काम करने में पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किस प्रकार से खासकर अपने जो कार्य जिन्होंने काम करना होता है, पैरामेडिक्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी कमी है, और डॉक्टर की भी विशेषज्ञ विशेष का कमी है, इस ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छा कैबिनेट पेपर बना रहे हैं ताकि किस प्रकार से हम खाली पदों को भरें। इसके बाद जैसे वहाँ पर पहुँचा नहीं सकते? नहीं, हम वहाँ पे भी आएंगे। हम तो सब हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाने के लिए थोड़ा समय का ही रहता है, जब भी मिलेगा तो नालागढ़ अवश्य आऊँगा। आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र का चेयरपर्सन था मैं खुद ही था, मेरे साथ 3-4 और भी मेरे माननीय विधायक महोदय थे। उन्होंने सबसे बड़ी अपनी बात कही थी कि OPS बहाल होगा, और हमारे जो मैं समझता हूँ धर्मात्मा CM ही कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जो CM साहब है वो सबसे पहले एक आश्रम में गए रादर देन कमिंग टू द CM टेबल, और उन्हें वहाँ जाकर सचमुच जो है एक बात सीखी कि देखो इनका कोई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हमने एक सुख आश्रय कोष बनाया है, जो जिसमें हम सब ने भी 1-1 लाख रुपया दिया है, सभी जितने हम विधायक गण थे और दूसरे चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे रूलिंग है, और इस प्रकार से और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे जो आश्रम है उसमें हमने स्पीड अप करना, जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने की बात कही। दूसरा एक जो OPS के अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा फैसला दूसरा था, जिसमें जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार माता पिता होगी, तो ये भी एक फैसला हमारा बहुत अच्छा फैसला रहा है, और सचमुच में ये हर लिहाज से चाहे मेडिकल केयर के साथ हो, चाहे उनकी शिक्षा की तरफ हो,
दुनिया भर के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो, खासकर मेडिकल एजुकेशन हो, उसके लिए सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि जो बच्चे जो अपना फीस नहीं दे सकते वो सरकार उनके लिए देगी। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा फैसला है। सर, एम्प्लॉयमेंट का दिया एक लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी सेंक्शन किया ना, वो भी उस पर भी हमारा काम हो रहा है। जो हमने रोज़गार देने की बात कही है, हमने जितने भी आज मैं देखता हूँ ज़्यादा हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी नीति बनानी ज़रूरी है, क्योंकि आउटसोर्स एम्प्लॉय मीन वो एक प्रकार से उनको कुछ भी पता नहीं कितने साल बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, कितने साल बाद उनको कैसे कर पाएंगे वो अपना जीवन यापन, ये एक प्रश्न रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी भी नीति बने, वो भी बात आज हमारे सर एक आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था, और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में हुआ, कुछ टेक्निकल हैसल हुई है, उसको ठीक किया गया। हमारी तीनों विभागों की मीटिंग यहाँ पे हुई बद्दी में, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और दूसरा कौन सा था, और ड्रग कंट्रोल, हाँ ड्रग कंट्रोल बेसिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो हमने देखा कि हमारे पास कई जगह बहुत शॉर्टफॉल है, बहुत पद भरने बाकी हैं, और पद भरने के साथ साथ हमने जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के साथ जुड़े विषय हैं उन पर भी ध्यान दिया, किस प्रकार से हम अपने सैंपल्स हैं जो फेल हो जाते हैं उन पे एक्शन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो मेडिसिन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें ताकि आम लोगों तक जो दवाई पहुंचे वो ठीक हो, और सबसे बड़ी बात उसके रेट इत्यादि भी ठीक हो, गुणवत्ता के साथ उसके रेट भी ठीक होने चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी एक देखने में आया कि कभी कभी किसी भी एक ड्रग के प्राइस ऊपर बढ़ जाती है जबकि उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारा विषय आज का था। और इसके अलावा जो हमारी आम लोग हैं उनको हम किस प्रकार से अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको कैसे पहुंच सकते हैं ताकि वो लोग जिनको आना होता है थोड़े उनके अच्छे हालात नहीं होते, जिन्होंने उनको लुकआफ्टर करने आता उनके रहने का इंतज़ाम नहीं होता, तो हमारा एम ये रहता है कि हम किस प्रकार से जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर है इसका उसको बढ़ाएं ब्लॉक लेवल पे, गांव के स्तर पे, ताकि ये फैसिलिटीज़ लोगों को वहीं मिल जाए, और सिवाय बड़े उपचार के या बड़ी सर्जरी के जिसके लिए मेन हॉस्पिटल को आना हो, बाकी चीज़ों में हम उन्हीं स्तर पर करना चाहें, ये भी हमारा एक फोकस है और इसी तरफ हम प्रयासरत भी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र का चेयरपर्सन था मैं खुद ही था, मेरे साथ तीन चार और भी मेरे माननीय विधायक महोदय थे, उन्हें सबसे बड़ी अपनी बात कही थी कि OPS बहाल होगा, और हमारे जो मैं समझता हूँ धर्मात्मा CM ही कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जो CM साहब है वो सबसे